हाय गाइस, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुशील तिवारी आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये इडली मेकर है, आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये रहता है, फ्लिपकार्ट कैसे पैकिंग करके अपने आप को सप्लाई करता है। तो दोस्तों फटाफट अपन इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि फ्लिपकार्ट अपने को कैसे सप्लाई करता है। तो इसमें ऊपर एक सिंपल सा टेप है जिसको अपन ये निकाल देते हैं और इसके अंदर एक और पैकिंग रहती है। मतलब ये पैकिंग बड़ा दिखाने के लिए फ्लिपकार्ट अपने को डबल पैकिंग कर देता है। और इसमें कुछ नहीं है, कि ये मैनुअल है। इसमें प्राइस दिया हुआ है, कितना है आपको ये दिखा देता हूँ। 617 रुपये ये आप देख पा रहे होंगे इसमें दिया हुआ है। और इस बॉक्स को हटा देते हैं, ये फ्लिपकार्ट सिर्फ दिखाने के लिए कि बड़ा डिब्बा है इसलिए कर देता है। और अब आ जाते हैं अपन छोटे बॉक्स में, देखते हैं छोटे बॉक्स में क्या रखा है। बोला तो जा रहा था बहुत बड़ा होगा ये, लेकिन कितना बड़ा है अब इसका अभी पता चलेगा। और कहीं से खुलने का नहीं है, बस यहीं से खुलेगा ये। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके सामने ये आ गया है इडली मेकर, जो अभी भी पॉलीथीन में पैक है। इसको खोलना पड़ेगा, ढक्कन अलग, ढक्कन अलग होगा इसका। बहुत ही तेज पैकिंग रहती है इसकी, टाइट पैकिंग करके देते हैं ये लोग ताकि टूटने का डर ना हो। बाकी बहुत ही अच्छी बेहतरीन पैकिंग किए हुए हैं ये। इसमें असेंबल करना पड़ेगा और ये आप देख पा रहे होंगे आपका इसमें जार है जिसमें 16 इडली एक बार में बनेंगी, 4 का सेट है ये। साथ में डिब्बा भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है जो कि काफ़ी मजबूत स्टेनलेस स्टील का है। कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है, लोकल कंपनी है, पर क्वालिटी अच्छी है, मजबूत दिया हुआ है। और इडली का जार भी अच्छा दिया है ये। ऊपर से यहाँ से इसको रिमूव करके आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको कम बनाना है ज़्यादा बनाना है। ये यहाँ से एक एक करके प्लेट कम कर सकते हो, यहाँ से कम करके दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये यहाँ से जितनी आपको प्लेट कम करनी है ये ऐसे प्लेट कम हो जाएगी और ऐसे ही रखते जाना है। लास्ट में ये फिट करने के लिए है, लास्ट प्लेट आपको रखना ही पड़ेगा इसमें। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी आएगी, साथ में पैक हो जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।